बेसन की रोटी। इंटरनेट से रेसिपी देख रही हूँ क्योंकि मुझे क्वांटिटी का अंदाज़ा नहीं है। वैसे तो मुझे आती है बनानी, लेकिन देखते हैं क्या होता है क्योंकि मुझसे बेसन संभलता नहीं है। तो मैंने आज इंटरनेट से फॉलो की है रेसिपी, दिखाती हूँ। एक कप आटा लिया है जो घर में नॉर्मल रोटी बनाते हैं, और तकरीबन 1.5 कप मैंने इसमें वो लिया है, क्या कहते हैं इसको, बेसन। 1.5 कप बेसन है, 1 कप आटा है, आटे की क्वांटिटी कम है। और फिर इसमें मैंने नमक डाला है अपने टेस्ट के हिसाब से डालने, 1/2 चम्मच कलौंजी है, ज़ीरा है, हल्दी है, 1/2 चम्मच कुटी लाल मिर्च है, 1 चम्मच 1.5 चम्मच धनिया है मोटा कुटा हुआ, ये मुझे अच्छा लगता है, इससे ज़्यादा डाला है, सौंफ डालिया है, और क्या कहते हैं इसमें थोड़ा सा उसमें लिखा हुआ था बेकिंग पाउडर भी ना, तो मैंने बेकिंग पाउडर भी डाला है। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, कलौंजी, सौंफ, हल्दी, कुटी लाल मिर्च, धनिया, सौंफ, नमक, अजवाइन भी डाली है क्योंकि हाजमे के लिए अच्छी होगी, क्योंकि बेसन है थोड़ी सी डाल दें, और बेकिंग बेकिंग सोडा। देखिए मेरी टांगों से चिपका, टांगों से चिपके हैं, बनाने थोड़ी देंगे। लेट्स सी, अभी तो ये है, अब इसमें प्याज डलेगी बारीक बारीक कटी हुई, हरी मिर्चें डालूंगी, और देखते हैं आगे और क्या क्या है। प्याज डाल दी हैं छोटी छोटी सी, दरमियाने साइज़ की थी, और दही डाल दिया, उसमें दही लिखा हुआ था, बताया हुआ था, माहिराज की मैं रेसिपी को फॉलो कर रही हूँ, बहुत अच्छी रेसिपीज़ बनाती हूँ। उन्होंने इसमें खटाई भी बताई है और कहा है लीमू का रस डाल दें या इमली का पल्प डाल दें, लेकिन मैं ये सब चीज़ें नहीं डाल रही, मुझे तो याद भी नहीं कि हमारे घर वाले दही भी डालते थे कि नहीं, इस वजह से मैं थोड़ा सा मैंने डाल दिया दही, और उन्होंने कहा अब इसी में इसको गूंदना है ना, ज़्यादा पानी नहीं लगाना, तो मैं इसको गूंदती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। और घी भी डाला है उन्होंने, इसमें घी भी थोड़ा सा डालना है। बस सेब खाने में लगे, मैं नया नया चलना सीखा है तो बस खड़े रहते हैं हर वक्त, सारा दिन खड़े रहते हैं, थोड़ा थोड़ा चल रहे हैं। इन्होंने 13 महीने में सीख लिया चलना, 13 साढ़े 13 महीने में, 13 महीने से हल्के हल्के कदम उठाता था, लेकिन अभी 13.5 महीने का हो गया, उससे भी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, 14 तारीख को 14 महीने का हो जाएगा, 14 सितंबर को, तो अब ये काफ़ी चल रहा है घर के अंदर, मूव कर रहा है। और बाहर का आपको मतलब सीन दिखाऊं तो बारिश हो रही है बहुत, 3-4 दिन से यहाँ लगातार बारिश हो रही है, शायद आपको फील नहीं हो रहा होगा, शीशे पे शायद नज़र आए, शायद होती भी नज़र आ रही हो। तो बिल्कुल अबर अंधेरा और इस तरह का मौसम है, इसी वजह से हमने सोचा कि आज बेसनी रोटी बनाते हैं, तो आज बेसनी रोटी बना रही हूँ किसी की तरकीब देख के, देखें कैसी बनती है, क्योंकि मुझसे बेसन संभलता नहीं है, हमेशा जब भी बनाती हूँ बहुत मुश्किल हो जाती है, और संभलती ही नहीं है, अजीब चिपचिपी और बहुत आटा लगाना पड़ जाता है। तो लेट्स सी कैसी बनती है। आज इब्राहिम भी थोड़ा तंग कर रहा है, इनकी एक दाढ़ निकल आई है, दूसरी दाढ़ का एक कोना निकल आया है, और दो दाढ़ें बिल्कुल सूजी हुई हैं, 4-4 दाढ़ें एक साथ निकाल रहे हैं माशाल्लाह से, 8 दांत निकाल चुके हैं और 4 दाढ़ें और आ रही हैं, और 4 दाढ़ों से पहले जो 4 दांत थे वो भी फूले हुए हैं, अभी तक निकले नहीं हैं, तो पूरा मुंह ही अंदर से बेचारे का फूला हुआ है। मेरा ये था, मैं आपको ये देखें उस वक्त से खड़े में और धड़ाधड़ खा रहे हैं सेब, काम नहीं करने दे रहे मम्मा को, मम्मा बेसनी रोटी बना रही थी। हाँ बस अभी आ रही हूँ, अभी मैंने सारी चीज़ों के साथ हरी मिर्चें डाली हैं, हरा धनिया फ्रोज़न है मेरे पास वो डाल रही हूँ, और इसके बाद प्याज डालूँगी कश करके, फिर आगे आपको बताती हूँ और क्या क्या मसाला ज़्यादा डल रहे हैं, बहुत मसाले वाली बनेगी। लेकिन इसमें आटा ज़्यादा हो गया है और वो कम है क्योंकि मुझसे नहीं संभल रहा था बेसन,
तो मैंने कहा चलो इस तरह से भून लेती हूँ। आटा मैंने और डाला है तकरीबन आधा कप, 1.5 कप में मैंने 1 कप बेसन लिया। बेसन लोग ज़्यादा लेते हैं लेकिन मुझसे नहीं संभल रहा था। इब्राहिम ने भी यहाँ देखे सारी दराजे खाली कर दी हैं, सारे बर्तन उठा के ऊपर रखने पड़े हैं मुझे, तो ये भी मुझे नहीं करने दे रहा है काम। तो बस मैंने इसे भून दिया। दाढ़ों की तकलीफ़ में है इस वजह से आजकल थोड़ा सा चिड़चिड़ा हुआ हुआ है। बस मैं अब ये गूंद के रख दिया, बनाकर देखूंगी रोटी कैसी है फिर आपको दिखाऊंगी। मैं तो सेक रही हूँ, यहाँ ज़रा सा ऑयल लगाया है, नीचे से सिक गई है। मैं तो रोटी का लाया है, बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं बना रही हूँ मैं, रोटी की तरह ही बना रही हूँ, रोटी बना रही हूँ तो नीचे से ज़्यादा पराठे वाला नहीं कर रही। फाइनल टाइप दिखाऊंगी आपको। फाइनल हो जाएगी तो फाइनल शेप दिखाऊंगी आपको, जल्दी बना लूँ। की फरमाइश थी कि मक्खन डाल दें इस पर, तो मैंने डाल दिया है। लहसुन पुदीने की चटनी है, सलाद है, बनने हैं टेढ़े डेंगे। इतनी मज़े की नहीं बनी है, 50% कामयाब रही हूँ। नेक्स्ट टाइम बनाऊँगी तो फिर डिटेल दूंगी आपको। इसमें आटा ज़्यादा हो गया, मुझसे मेरे समझ नहीं पाया बेसन ना। इब्राहिम को ये खिला दी। बेच रहे हैं, कस्टमर आया हुआ है तो इब्राहिम साहब चढ़ के बैठ गए, उतर ही नहीं रहे कि नहीं देना। दिखनी है वही वे ना दिवाई इसको आंदन है कुर्दिश है। मैं असल में बाहर ना हो गया पूरा चेक करके। भाई गोले पड़ना शुरू हो गए, ओले पड़ना शुरू हो गए, ओले पड़ रहे हैं, ओले ओले देखने तो दो, ओले पड़ रहे हैं। ओ ने हाथ लगा दिया, देखो ओले पड़ रहे हैं, ओले सितंबर में ओले पड़ रहे हैं। नहीं करने देगा, नहीं वीडियो बनाने देता ये अब मुझे, क्या करूं। ये देखें बहुत तेज आवाज आ रही है, ऊपर से तो नजर नहीं आ रहे होंगे पढ़ते हुए लेकिन नीचे गिरते हुए नजर। ओए कट जी, वॉश कर दो, वॉश कर दो, वॉश कर दो, कट वॉश कर दो। ये देखो सदियां आ गई, सदियां आ गई, ओले पड़ना शुरू हो गए। अब और क्या चाहिए लाइफ में, हाँ इतनी जल्दी सदियां आ गई, इतनी जल्दी सदियां आ गई। रेम्बो देखें, आज बारिश हो रही थी, बाहर निकले हम लोग, रेम्बो नज़र आ रही है, बन रही है। इब्राहिम साहब यहाँ बैठे हैं, बहुत सख्त सर्दी हो गई है यहाँ पर, अचानक अचानक 20-25 से टेम्परेचर 13-14 पर आ गया है। ओले पड़ रहे हैं, बर्फ़बारी हो रही है, बर्फ़बारी तो नहीं हो रही, ओले ही पड़ रहे हैं, लेकिन ठंडी फ्रीजिंग हवाएं चल रही हैं। इतना खूबसूरत मौसम है, आज ओले भी पड़े, रेम्बो भी देख ली, और अभी मगरिब का टाइम हो रहा है। आज मौसी ने गाड़ी बनने दी हुई है तो मैं आज चली गई थी दुकान पे, अब हम पैदल घर वापस आ रहे हैं। ये देखें
छुप गया।